घर हो या किचन, उलझती हुई काम को समेट के करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ टिप्स एंड हैक्स की। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स लेके मैं हाजिर हो चुकी हूँ आप सबके बीच में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बढ़ती हूँ छोटा छोटा टिप्स की तरफ। और आज का मेरा पहला टिप है एप्पल को लेकर। जब भी हम बच्चों या हस्बैंड को टिफिन में एप्पल काट के देते हैं तो कुछ ही देर में एप्पल बहुत ही बुरी तरीके से काला पड़ने लगता है, जिस वजह से खाने में भी मजा नहीं आता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए थोड़ा सा पानी और पानी में थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस। थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ने के बाद जितनी भी कटी हुई जो एप्पल है उसको इस पानी में डाल दीजिए और इस पानी में डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए और 3 से 4 मिनट के बाद टैप वाटर से इसको अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि नमक डाला हुआ था जिस वजह से नमक का स्वाद रहेगा। इसलिए आप प्लेन पानी से इसको धो लीजिए और जैसे टिफ़िन में आप पैक करते हैं उस तरीके से आप पैक कर दीजिए। बिलीव मी, ये पूरा दिन तक एप्पल ऐसे रहेगा, थोड़ा सा भी इसमें काला पड़ा नहीं पड़ेगा। आई होप कि ये टिप आप सबको बहुत ही पसंद आया है। मेरा नेक्स्ट टिप है किचन स्लैब को लेके। जब भी हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद किचन स्लैब को हम बहुत अच्छे से वाइप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो चिकनाहट है, इसका जो ऑयलीनेस है, ये नहीं जाता है। देखिए कितना स्टिकी हो रखा है। तो इसको क्लीन करने का एक बहुत ही बढ़िया टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा पानी इसमें छिड़क दीजिए। उसके बाद जो भी लिक्विड, मतलब जो डिश वाशर या तो फिर जो भी आप यूज़ करते हैं, भीम लिक्विड वगैरह, उसको थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा नमक इसमें छिड़क दीजिए। उसके बाद एक नेट का बैग लेके इस तरीके से आप उसको रब कर दीजिए, या तो फिर स्टील का जो स्क्रबर है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। और जो नमक डालने की वजह से जितने भी बैक्टीरिया और जो स्टिकी हो रखा था वो एकदम से हट जाएगा। तो इस तरीके से क्लीन करने से ना आपका किचन स्लैब बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा और जितने भी स्टिकीनेस था वो एकदम से हट जाएगा। और कुछ देर इस तरीके से आप रब करेंगे, उसके बाद एक गीले कपड़े से इसको अच्छे से वाइप कर लीजिए और इस तरीके से आप रेगुलरली इसको, किचन स्लैब हो गया, किचन टाइल्स हो गया, इसको क्लीन करते रहेंगे तो किचन में कभी भी आपको ऑयलीनेस, जो स्टिकीनेस है, वो नहीं दिखेगा और आपका किचन स्लैब, आपका किचन टाइल्स मेंटेन रहेगा। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसको मैंने क्लीन कर लिया है और बहुत ही अच्छा क्लीन हो चुका है। कई बार होता है ना, छोटा छोटा टिप्स हमको पता नहीं रहता है और हम बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। आई होप कि आप सबको ये टिप बहुत ही पसंद आया है। मेरा जो नेक्स्ट टिप है वो है राइस को लेके। कई बार होते हैं ना, राइस एकदम से स्टिकी हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता है कि ये स्टिकी कैसे हो गया। और खिला खिला चावल खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए एक टिप मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप राइस बनाइए तो थोड़ा सा नींबू इसमें, मतलब नींबू का जूस इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिए। जब राइस बॉयल होगा ना उस टाइम नींबू की जगह आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कितना खिला खिला राइस बन के रेडी हो जाएगा। आई होप कि ये टिप भी आप सबको बहुत पसंद आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरा जो अगला टिप है वो है चश्मा को ले। जब भी हम हेयर में हेना लगाते हैं या कलर लगाते हैं उस टाइम चश्मा को पहनते हैं तो चश्मा का जो हैंडल है ना उसमें कलर वगैरह लग जाता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए बहुत ही बढ़िया एक टिप शेयर करूँगी, जैसे कि आप चश्मा पहने रहेंगे फिर भी आपका चश्मा का जो हैंडल है उसमें कलर नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया टिप है। तो इसके लिए आप ले लीजिए एलुमिनियम फॉयल का एक छोटा सा टुकड़ा, जिससे कि हैंडल को आप इस तरीके से कवर कर सकें, ठीक है ना। और एलुमिनियम फॉयल का छोटा सा एक पतला टुकड़ा लीजिएगा ताकि ये लाइट वेट हो, क्योंकि चश्मा फिर पहनेंगे ना तो फिर ज़्यादा हेवी होने से वो भी मुश्किल है, थोड़ा सा इरीटेशन होगा। तो इसलिए एक छोटा सा टुकड़ा, पतला सा हो, इस तरीके से आप उसको हैंडल में कवर कर दीजिए। दोनों हैंडल को हम कवर करेंगे, सिमिलरली ये वाला हैंडल को भी इस तरीके से हम कवर कर लेंगे। और एलुमिनियम का जो फॉयल है ना उसको पतला ही लेना है, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो देखिए इस तरीके से पतला सा टुकड़ा लेके मैं इसको इस तरीके से कवर कर दूँगी। और ऐसा करने से आप बालों में हिना लगाइए, कलर लगाइए, जो भी लगाए आराम से लगा सकते हैं, हैंडल में नहीं लगेगा और आपका चश्मा का हैंडल ख़राब नहीं होगा, कलर भी नहीं लगेगा। आई होप कि ये टिप भी आप सबको बहुत ही पसंद आया है। देखिए कितना बढ़िया से ये रेडी हो चुका है और उम्मीद है कि आप सब इसको अप्लाई भी करने वाले हैं और आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरा अगला टिप है नीम का पत्ता को लेके। नीम का औषधि गुण के बारे में हम सबको बहुत पता है,
तो चलिए इसका एक सॉल्यूशन बना के इसका पूरा फ़ायदा हम उठाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने नीम का पत्ते के साथ नीम का स्टिक भी लिया है, क्योंकि वो भी बहुत ही फ़ायदा करता है। और इसको मैंने पानी में इसको बॉयल कर लेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से मुझे बॉयल करना है। अभी मैंने 5 मिनट के लिए बॉयल किया है। इसी में देखिए इस पानी का कलर चेंज हो गया है। इसको लगभग 10 मिनट के लिए और बॉयल करना है, ताकि नीम का जितना भी एक्स्ट्रैक्ट है वो पानी में निकल के आए। तो मेरा मेन बात वही है कि नीम का जितना भी एक्स्ट्रैक्ट है वो निकल के आना चाहिए। तो इसके लिए इसको ना थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बॉयल करना होगा। और इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए मैंने बॉयल किया था। तो देखिए ये एकदम से बॉयल हो चुका है और इसका जितना भी एक्स्ट्रैक्ट है वो निकल के आ चुका है। पानी का कलर भी चेंज हो गया है, एकदम से ग्रीन हो चुका है। पानी अभी बहुत गर्म है तो इसको मुझे ठंडा करना है। तो नीम के जितने भी पत्तियाँ हैं इसको मैं हटा दूँगी और पानी को मैं ठंडा कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी ठंडा हो चुका है। अभी एक स्प्रे बोतल में इसको मैं भर के रख लूँगी। और इसको हम बहुत तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। बताती हूँ इसको मैं किस किस काम में यूज़ में लूँगी। रात में सोते टाइम जब भी आप किचन को क्लीन करें, किचन को क्लीन करने के बाद किचन स्लैब में, गैस स्टोव में, सारी जगह में इस स्प्रे को आप स्प्रे कर दीजिए। इससे कि छिपकली वगैरह कीड़ा वगैरह नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। और नहाते टाइम टब में जब पानी रेडी करते हैं उसमें एक ढक्कन भर के डाल दीजिए। ये एंटीबैक्टीरियल है, तो जिस वजह से डेटॉल की जगह इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। पोछा लगाते टाइम भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसका यूज़ बहुत सारा है, लेकिन आज 2 ही यूज़ बताई हूँ। आई होप कि आप सबको ये टिप बहुत पसंद आया है और आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मेरा अगला टिप है डोरमेट को लेके। जब भी हम घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो डोरमेट को तो क्लीन करते ही हैं। तो देखिए डोरमेट को डेली साबुन पानी से क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जब भी हम घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं उस टाइम डोरमेट को भी पटक के इसको क्लीन कर लेते हैं। इसका जितने भी डस्ट है इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा डस्ट रहता है। मतलब ये अच्छे से क्लीन नहीं होता है और डेली पॉसिबल नहीं होता है कि इसको एकदम से पानी से धोएं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया एक टिप शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, गैस जला लीजिए और डोरमेट को ना गैस के साइड में इस तरीके से रख के अच्छे से गरम कर लीजिए। डोरमेट को जलाना नहीं है, जस्ट गरम करना है। गरम करने की वजह से जितने भी डस्ट और बैक्टीरिया रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और जब इसको आप पटक के इसका जो डस्ट निकलने की कोशिश करेंगे, आराम से जितने भी डस्ट रहता है वो आराम से निकल जाता है। और इस वजह से आपका डोरमेट ज़्यादा गंदा नहीं होगा और बार बार इसको साबुन पानी से क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से डोरमेट को क्लीन करने से इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होता है और डस्ट भी नहीं रहता है। आई होप कि आप सबको ये टिप बहुत ही पसंद आया है और आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ज़रूर से ट्राई करना, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करना। और मेरा अगला टिप है लहसुन को लेके। तो जब भी हम गोटा लहसुन को छील के फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो देखते हैं कुछ ही दिनों में लहसुन ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हम लहसुन का पेस्ट बना के ही उसको फ्रिज में स्टोर करके रखें, क्योंकि हर सब्ज़ी में लहसुन का पेस्ट नहीं डाला जाता है। किसी किसी सब्ज़ी में लहसुन को हम काट के भी डालते हैं, चॉप करके भी डालते हैं। तो इसलिए हम लहसुन को छील के फ्रिज में भी स्टोर करके रखते हैं। तो कैसे रखेंगे, जिस वजह से ये बहुत दिनों तक एकदम फ्रेश रहे, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ऑयल इसमें इस तरीके से ग्रीस कर दीजिए और एक एक लहसुन को इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और एक एयरटाइट कंटेनर में लहसुन को स्टोर करके फ्रिज में रखें। इस तरीके से लहसुन को रखने से 1 से 2 महीना आराम से आपका लहसुन चलेगा, ख़राब नहीं होगा। आई होप कि आप सबके लिए ये टिप बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको ये टिप्स वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।